व्यूअर्स, अब जो ऑप्शन हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है व्हाट्सएप का मैनुअल बैकअप ट्रांसफ़र करने का तरीका। व्हाट्सएप के डेटा को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम फ़ोन क्लोन से हुआवे टू हुआवे ट्रांसफ़र कर दें, जो सबसे क्विकेस्ट वे है, और दूसरा तरीका ये है कि हम मैनुअली बैकअप को सेंड करें। इसके लिए हम सिंपली व्हाट्सएप पे पहले आइकन पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी चार्ट शो हो रही हैं। मैं सिंपली मोर पे क्लिक करूँगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, चार्ट्स पे क्लिक करूँगा, चार्ट बैकअप पे जाऊँगा, बैकअप पे जाके गूगल ड्राइव को नेवर पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद लोकल बैकअप क्रिएट कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि लोकल बैकअप इस टाइम पे क्रिएट हो गया। सिंपली अब मैं वापस माई फाइल्स में जाऊंगा। फाइल्स में जाके मैं इंटरनल स्टोरेज पे जाऊंगा। इंटरनल स्टोरेज पे सिंपली व्हाट्सएप के फोल्डर पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी फाइल एक बनी हुई है, इसको डिलीट कर दूंगा। डेटाबेस की फाइल को, बैकअप के फोल्डर को और मीडिया के फोल्डर को, तीनों को सेलेक्ट करके मोर पे क्लिक करके सिंपली कंप्रेस कर दूंगा। करंट डायरेक्टरी को सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एक जिप फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं जिप फोल्डर को सिंपली सेलेक्ट करूंगा और इसको वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू सिंपली शेयर कर दूंगा न्यू फ़ोन के अंदर। इसको शेयर करने के लिए हम शेयर इट एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और एसडी कार्ड के थ्रू भी इस जिप फोल्डर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यू फ़ोन में। मैंने वाईफाई डायरेक्ट ओपन किया। न्यू फ़ोन के ऊपर मैं सिंपली वाईफाई पर जाऊँगा। वाईफाई पर जाके सिंपली मैं वाईफाई डायरेक्ट के ऑप्शन को ऑन करूँगा। Y7P यहाँ पर ओल्ड फ़ोन से सेलेक्ट किया, कनेक्शन कम्प्लीट किया। आप देख सकते हैं कि मुझे न्यू फ़ोन के ऊपर मुझे फ़ाइल रिसीव होगी। मैंने सिंपली फ़ाइल को एक्सेप्ट किया, फ़ाइल मेरे पास सेव हो गई है सक्सेसफुली। होम स्क्रीन पे मैं दोबारा गया, मैंने सिंपली वेब ब्राउज़र पे जाके सर्च किया व्हाट्सएप डाउनलोड लिंक और व्हाट्सएप को डाउनलोडिंग पे लगा दिया। व्हाट्सएप की फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो रही है। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप की फ़ाइल डाउनलोड हो गई। मैं सिंपली इस फ़ाइल को ओपन करूँगा। और फाइल को सिंपली इंस्टॉल कर दिया। फाइल इंस्टॉल हो गई है, इसको हमने डन पे क्लिक कर दिया। अब हम वापस फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाके इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे। इंटरनल स्टोरेज पे जो हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र हुई है वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू, उसको ओपन करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे सिंपली डायरेक्टरी सेट करके व्हाट्सएप के फोल्डर। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों फाइल जो एक्सट्रैक्ट कर दी हैं व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में। अब मैं सिंपली डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और जितनी डेटाबेसेस जो मुझे जीमेल की डेटाबेसेस हैं जिनके साथ डेट्स आ रही हैं उनको सेलेक्ट करके सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने डिलीट कर दी। वापस होम स्क्रीन पर जाऊँगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, ऐप्स पे क्लिक करूँगा, ऐप्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्हाट्सएप की जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है इसको ओपन करके इसके परमिशंस जो सारी लॉक हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इन सारी परमिशंस को ओपन कर देंगे। हमने सारी एप्लीकेशंस जो सारी परमिशंस हैं वो ओपन कर दी। हम सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, इस पे अपने नंबर की डिटेल्स डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैकअप की फ़ाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है जिससे मैंने अपने नंबर की डिटेल्स डाली और जो व्हाट्सएप का कोड रिसीव होता है उसको ओपन किया। तो और आप पुराने फ़ोन में भी देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है कि लॉग आउट हो गया है व्हाट्सएप से, सिंपली कोड रिसीव हुआ है और मैंने कोड यहाँ पे एंटर करके इसको बैकअप ओपन जो किया जिस तरीके से इसको रिस्टोर कर लिया। बैकअप सेव हो गया, मैंने रैंडम नेम एंटर किया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार्ट्स अलॉन्ग विद देयर बैकअप शो हो गई हैं। थैंक यू।